महात्मा गांधी को लेकर राजस्थान में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और राजधानी जयपुर में पूर्ववर्ती सरकार की ओर से बनाई गई गांधी वाटिका को आमजन के लिए खोलने की मांग को लेकर पूर्व सीएम पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के धरने देने के ऐलान के बाद भजनलाल सरकार अलर्ट मोड पर नजर आई। भजनलाल सरकार ने बुधवार को ही गांधी वाटिका को लेकर बड़ा फैसला ले लिया। अब गांधी वाटिका को 2 अक्टूबर से खोला जाएगा और इसका संचालन पर्यटन विभाग करने वाला है। जयपुर के सेंट्रल पार्क में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने 85 करोड़ रुपए की लागत से गांधी वाटिका को बनाया था। विश्व स्तरीय बताई जा रही इस गांधी वाटिका का गहलोत सरकार के समय ही उद्घाटन कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद राजस्थान में हुए विधानसभा चुनावों में सत्ता परिवर्तन हो गया और बीजेपी की सरकार आ गई, लेकिन गांधी वाटिका को आमजन के लिए नहीं खोला गया था। हाल ही में 3 दिन पहले पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इसको लेकर धरने का ऐलान किया था। गहलोत सरकार ने इसको लेकर 23 सितंबर को सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि करीब 1 साल पूर्व उद्घाटन हो जाने के बावजूद भी भाजपा सरकार ने सेंट्रल पार्क जयपुर स्थित गांधी वाटिका म्यूजियम को आम जनता के लिए नहीं खोला है और करीब 85 करोड़ रुपए की लागत से ये विश्व स्तरीय म्यूजियम बना है और मैंने व्यक्तिगत तौर पर एवं पत्र लिखकर भी मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जनता के बीच गांधी जी के सत्य और अहिंसा के संदेश को पहुंचाने के लिए इस म्यूजियम को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। गहलोत ने आगे लिखा कि सरकार की इस हट धर्मिता के विरोध में और गांधी वाटिका म्यूजियम को आम जनता के लिए शुरू करवाने के लिए मैं और तमाम गांधीवादी 28 सितंबर को शनिवार को सेंट्रल पार्क के गेट नंबर 5 पर स्थित गांधी वाटिका म्यूजियम पर सुबह 11 बजे से अपराह 4 बजे तक धरना देंगे। और उसके बाद गहलोत ने 25 सितंबर को इसको लेकर फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि गांधी वाटिका म्यूजियम को आम जनता के लिए खोलने हेतु गांधी दर्शन समिति द्वारा 28 सितंबर को धरना आयोजित किया जाना था। आज राज्य सरकार ने गांधी वाटिका म्यूजियम को 2 अक्टूबर से खोलने की घोषणा की है। मैं गांधी दर्शन समिति के जीएस बापना, हनुमान शर्मा नायला एवं धर्मवीर कटेवा सहित सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ और इस धरने की घोषणा के बाद से ऐतिहासिक अभूतपूर्व जन समर्थन रहा था, जिसके दबाव में आकर आखिरकार सरकार को ये फैसला करना पड़ा। यह जन भावना की जीत है।